हेलो एवरीवन, टुडे विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इसके फर्स्ट पॉइंट में मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट ये डिस्कस करता है कि एटम इज नो लॉन्गर कंसिडर्ड एज इंडिविजुअल। Atom can be divided into three subatomic particle, positively charged proton, negatively charged electron and neutral particle that is neutron। कि एटम के अंदर ये तीन चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, दैट मीन्स एटम को हम डिवाइड कर सकते हैं। हालांकि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट ये बताता था कि एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, बट अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री सबअटोमिक पार्टिकल्स, प्रोटोन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। एज वी नो कि जो प्रोटोन और न्यूट्रॉन है ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इन द न्यूक्लियस, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूक्लियंस, एंड द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्टेन ऑर्बिट्स और सर्कुलर ऑर्बिट्स। द सेकेंड पॉइंट इज एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स मे हैव डिफरेंट अटोमिक मासेस। जो अलग अलग हमारे पास एटॉमिक मासी पॉसिबल हैं सेम एलिमेंट के एटम के लिए, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द हेल्प ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। अगर हम जो एटॉमिक मास देखें तो सब में डिफरेंट है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, सेम। दैट मीन्स मास नंबर जो है दैट कैन बी डिफरेंट इन केस ऑफ isotopes. The next one is atoms of different elements may have same atomic masses. कि जो different different element होते हैं उनका atomic mass same हो सकता है। ये एग्जाम्पल आता है आइसो बार का केस। एलिमेंट अलग हैं, लाइक हम लेते हैं आर्गन 1840, पोटाशियम 1940, एटॉमिक नंबर इज 19, एटॉमिक मास इज 40, कैल्शियम 2040। यू कैन चेक दैट एटॉमिक मास इज सेम बट एटॉमिक नंबर आर डिफरेंट। तो यहाँ पे हमारे पास डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का पॉइंट भी गलत जो है प्रूव हो गया, दैट डिफरेंट एलिमेंट के सेम एटॉमिक मासेज जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं, दैट इज द केस ऑफ आइसो बार्स। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेम फॉर बोथ द थ्योरीज, दैट इज एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल दैट कैन टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में सबसे जो छोटी से छोटी चीज है जो टेक पार्ट करती है दैट इज एन एटम। After that, we'll discuss a law that is called as Avogadro's law. Avogadro's law को discuss करने से पहले हम जो है एक scientist Berzelius की hypothesis को discuss करेंगे। Hypothesis, Berzelius की hypothesis ये बताती है that equal volume of gases, ये जो है हमारे पास वर्जिलस की हाइपोथेसिस हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास एवोगाड्रो लॉ तभी आता था बिकॉज वर्जिलस की जो स्टेटमेंट थी, हाइपोथेसिस थी, उसमें जो है प्रॉब्लम आ गई थी। उस प्रॉब्लम को, उस कन्फ्लिक्ट को जो है दूर करने के लिए एवोगाड्रो ने लॉ दिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है वर्जिलस की हाइपोथेसिस डिस्कस करेंगे। हाइपोथेसिस इज इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स, दैट इज अ हाइपोथेसिस गिवन बाई वर्जिलस। ठीक है, वर्जिलस ने यह बताया था कि अगर हमारे पास
गैसेस हम इक्वल वॉल्यूम की लेते हैं, लाइक हमने जो है दोनों जो है 100 ml 100 ml ली, उनको सेम कंडीशंस के ऊपर रखा गया, कोई भी दो गैसेस ले ली लाइक N2 और O2 ले ली 100 ml, सेम कंडीशन के ऊपर रखा गया, सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर, तो उनमें जो नंबर ऑफ एटम्स होएंगे वो भी क्या होंगे, सेम। दैट मीन्स अगर एक में 100 एटम है, लेट अस कंसिडर कि एक में 100 एटम है, तो दूसरे में भी कितना होएगा 100 एटम। दैट इज द एवोगाड्रो हाइपोथेसिस। अब इसी बर्जिलस हाइपोथेसिस, इसी हाइपोथेसिस को हम यूज़ करेंगे फॉर द एग्जाम्पल। हमने H2 गैस को कंबाइन किया विद द Cl2 गैस, इट विल फॉर्म 2HCl गैस। मैंने ऑलरेडी बैलेंस करके इक्वेशन को लिखा, यहाँ पे स्टिकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो हमने एटम की फॉर्म में लिखना है लाइक 1 एटम ऑफ H2 विल कंबाइन विद 1 एटम ऑफ Cl2, इट विल फॉर्म 2 एटम्स ऑफ HCl। इस तरह से हमारे पास जो है हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है कोई स्टिकोमेट्रिक ऑप्शन नहीं है, दैट मीन 1 है। सिमिलरली ये 1 एटम के लिए वर्क किया, सिमिलरली अगर हम लिखते हैं N एटम ऑफ H2 ये कंबाइन करेंगे विद N एटम ऑफ Cl2 टू फॉर्म 2 N एटम्स ऑफ HCl। अगर हम जो है दोनों साइड जो है डिवाइड कर सकते हैं 2N से, डिवाइडिंग बाय 2N ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा N बाय 2N एटम ऑफ H2 प्लस N बाय 2N एटम ऑफ Cl2, इट विल गिव 2N डिवाइडेड बाय 2N एटम ऑफ HCl। एक एटम करने के लिए हमने जो है यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2N से, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं N गेट कैंसल आउट, आपके पास आ गया हाफ एटम ऑफ H2, इट विल कंबाइन विद हाफ एटम ऑफ Cl2 टू गिव 1 एटम ऑफ HCl। बट जब ये हमारे पास ये कंसेप्ट आया हाफ एटम, उस टाइम अभी डाल्टन अटोमिक थ्योरी की ही फॉर्मेशन हुई थी, मॉडर्न अटोमिक थ्योरी बिल्कुल नहीं बनी थी। तो डाल्टन अटोमिक थ्योरी क्या बोलती है कि एटम को तो हम जो है डिवाइड नहीं कर सकते पार्ट में, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है हाफ ऑफ एटम, दैट मीन्स दिस पॉइंट विल फॉर्म ए कन्फ्लिक्ट फॉर द डाल्टन अटोमिक थ्योरी। ये इसने जो है डाल्टन अटोमिक थ्योरी के पॉइंट में कन्फ्लिक्ट ले लिया, जो डाल्टन अटोमिक थ्योरी बोलती थी कि एटम का तो कभी हाफ हो ही नहीं सकता, एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। दैट मींस ये जो स्टेटमेंट बोली थी बर्जिलस ने, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ एटम, इसको करेक्ट किया आगे जाके जो कंटेम्प्ररी था एवोगाड्रो, ठीक है, जो बर्जिलस का कंटेम्प्ररी था। कंटेम्प्ररी कौन से होते हैं, जो पिछले वाले के जो स्टेटमेंट में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो एवोगाड्रो ने बोला कि बर्जिलस की हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है, जहां पे उसने एटम बोला हुआ वहां पे हम वर्ड ले लेंगे मॉलिक्यूल एंड रेस्ट ऑफ द थिंग रिमेन सेम। दैट मीन्स द स्टेटमेंट फॉर एवोगाड्रो लॉ बिकम्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैसेज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और अगर हम सेम जो एग्जाम्पल के लिए ये एप्लीकेबल करते हैं, तो एटम जहाँ पे हम एटम लिख रहे थे वहाँ पे मॉलिक्यूल वर्ड आ जाएगा, एंड में क्या आ जाएगा हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2। और क्वाइट ऑब्वियस है मॉलिक्यूल का हाफ हो सकता है, मॉलिक्यूल को हम जो है एटम में डिवाइड कर सकते हैं। सो दैट इज द एवोगाड्रो लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज अंडर द सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये हमारे पास एवोगाड्रो लॉ फॉर्म हो जाता है गिवन बाय एवोगाड्रो। एवोगाड्रो वाज द कंटेम्प्ररी ऑफ बर्जिलस, उन्होंने बर्जिलस की जो हाइपोथेसिस दी थी उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया, बिकॉज वो कन्फ्लिक्ट प्रूव कर रही थी इन द पॉइंट ऑफ डाल्टन अटोमिक थ्योरी। दैट्स वाई जो है एवोगाड्रो ने बर्जिलस की हाइपोथेसिस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया। आफ्टर द एवोगाड्रो लॉ विल डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ अटोमिक मास। अटोमिक मास क्या बोलता है कि हमारे पास द
The atomic mass of an element is the number of times an atom of the element is heavier than an atom of carbon 12. एक आपके पास एलिमेंट है, उसका एटम कार्बन 12 के, कार्बन मीन्स कार्बन, ऐसा कार्बन जिसका मास जो है 12 है, उससे कितना ज़्यादा हैवियर है, दैट इज कॉल्ड एज अटोमिक मास. द डेफिनेशन फॉर अटोमिक मास इज द नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर दैन एन एटम ऑफ कार्बन 12, दैट इज कॉल्ड एज अटोमिक मास. और अटोमिक मास जैसे हम जानते हैं, हाइड्रोजन हैज अटोमिक मास 1, कार्बन हैज अटोमिक मास 12, ऑक्सीजन हैज अटोमिक मास 16. तो इस अटोमिक मास मेजर को मेजर करने के लिए स्टार्टिंग में जो हमारे पास यूनिट आई थी, दैट इज कॉल्ड एज AMU, अटोमिक मास यूनिट. अटोमिक मास यूनिट क्या है? दैट इज इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप. कार्बन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कार्बन C6-12 एंड कार्बन C6-14. ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप है उसका, तो इसको निगलेक्ट किया है, इसलिए हमने ये चीज़ ली है कि एटॉमिक मास यूनिट क्या है. दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12 ऑफ मास ऑफ कार्बन 12, या हम ये बोल सकते हैं मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12. सिमिलर वे में हम इसको समझने के लिए कैसे डिस्कस करेंगे, कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 हिस्सा क्या है, दैट इज इक्वल टू 1 AMU. इस तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे कि कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12 हिस्सा है, 1/12 पार्ट, दैट इज AMU. अटोमिक मास प्रेजेंट टाइम में हम जो है म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू इज कॉल्ड एज यूनाइटेड मास. अगर हम जो है अटोमिक मास को ग्राम में यूज कर रहे हैं, तो इसको क्या बुलाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम अटोमिक मास. अटोमिक मास की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास, जैसे हमने वर्ड बोला मॉलिक्यूलर मास, तो क्वाइट ऑब्वियस है कि मॉलिक्यूलर मास जो होएगा हमारे पास, वो मास होएगा मॉलिक्यूल्स का. अगर हम इसकी डेफिनेशन बोलें तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए सब्सटेंस इज द एवरेज रिलेटिव मास ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स एज कम्पेयर टू विद एन एटम ऑफ कार्बन 12. बट अगर हम लोगों को मेन चीज़ क्या है यहाँ पे, हाउ टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास और मोलर मास, मोलर मास और मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सम ऑफ अटोमिक मासेस ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट. लाइक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास कार्बन का 1 atom, अगर हमने मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करना है ऑफ CO2 का, तो 1 atom ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय इट्स अटोमिक मास प्लस, यहाँ पे देखिए 2 atom है ऑक्सीजन के, 2 multiply बाय अटोमिक मास ऑफ ऑक्सीजन. तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 atomic मास कार्बन का 12 प्लस 2 multiply बाय कार्बन का अटोमिक, ऑक्सीजन का अटोमिक मास 16, दैट इज 12 प्लस 32 कम्स टू बी 44 AMU और म्यू. दैट इज अ वे टू कैलकुलेट द मोलर मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस. लाइक हम लोगों को बोला गया C2H4, इथीन का मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कीजिए, देन नंबर ऑफ एटम्स ऑफ कार्बन 2 multiply बाय अटोमिक मास ऑफ कार्बन प्लस 4 multiply बाय अटोमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एंड योर आंसर विल बी 2 multiply बाय 1. अटोमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 प्लस 4 multiply बाय 1, दैट इज अटोमिक मास फॉर हाइड्रोजन, दैट इज 24 प्लस 4 इज इक्वल टू 28 μ. दैट इज अ वे टू फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर मासेज.